feel this innovation is by someone who is from the east, from the west, who is not from the east. So in today's discussion, we will try to understand the impacts of the Islamic civilization. था क्या, कैसे कैसे चलता है, क्या होता क्या है. मुसलमानों ने तमाम तहजीबों में जो है वो अपना लोहा जो है वो मनवाया, और उनमें मुस्लिम मुहक्कीन का, दानिश्वरों का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है. मान लो साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर किसी ने अपना लोहा मनवाया और दुनिया को दिखाया कि हाँ जी ये चीज़ें जो है वो हम ही कर सकते हैं, तो वो मुसलमान ही थे. इस कदर अजीम तरक्की थी, तहजीब, अकल, सकाफत के मैदान जो है वो दंग रह जाता. लास्ट टाइम मैं आपसे डिस्कस कर रहा था विल डोरेंट के बारे में, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन जो है. विल डोरेंट ने बताया था कि भाई देखो, मुसलमान जो हैं उन्होंने एक अजीम काम किया था, यूनानी विरसे को फरोग देकर यूरोप में मुंतकिल कर दिया बाद में. उस एक जमाने तक जो है वो मुसलमान माहरीन जो हैं उन्होंने दुनिया के ऊपर अपना लोहा जो है वो मनवा के रखा. क्या हारून रशीद का दौर था, क्या हमारे पास जो है उबने रशद का दौर था, सब के सब दौर में, अदवार में एक ही चीज थी और वो मुसलमानों की तरक्की थी. लेकिन आज का इस्लाम तो उस कदर रोशन ख्याल नहीं लगता है. इस्लाम आज जो हमें पिक्चर्स दी जाती है उसमें तो यही बताया जाता है कि उसके कत्ल उसको जो है वो कर दें. जी वालेकुम अस्सलाम आमिर साहब, वेलकम टू द सेशन. अच्छा जी, आज हमारे पास जो है ये समझ में आता है कि जो लोग दायरे इस्लाम में मौजूद हैं वो वही हैं जो अपनी सलवारों पे जोर देते हैं कि वो घुटनों से, टखनों से ऊंचे होने चाहिए. वही हैं जो ये बताते हैं कि खीरे को काटने का इस्लामी तरीके का क्या है. वही बताते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो अब डिसाइड कर रहे होते हैं कि हाँ जी हम लोग जो हैं तुम जन्नत में जाओगे, तुम दोजख में जाओगे. इस्लाम ऐसा ना तो दीन था ना तो दीन है, इस्लाम एक रोशन ख्याल है. ये दिलो दिमाग को फाल बनाने वाला मजहब है. ये एक ऐसा मजहब है कि जिसने खाना बदोशों को इल्म और साइंस का मशल बरदार बना दिया. एक ऐसा मजहब है जिसने अरबी तहजीब को नई तकवीत दी. ये एक ऐसा मजहब है कि जिस जुबान में गया उस जुबान को इसने आलमी जुबान बना दिया, और आज अरबी पूरी अक्वामे आलम के लिए राबता और सरसी की जुबान है. सदियों तक इस्लाम मशरकी यूनान और मगरबी लतीनियों के लिए इल्म और साइंस का जरिया था, लेकिन इस्लामी तहजीब ने कभी भी मजहबी अकलियतों को कत्ल नहीं किया, उनको मजहबी आज़ादी दी और वहां पे भी अपना असर छोड़ा. सो हमारे इस्लाम की जो साइंटिफिक मूवमेंट्स थी, जो इस्लाम ने बुनियाद रखी, वो तो कुछ और ही चीज़ है. वो ये है कि इंसान, दूसरे मजाहब जो हैं वो इंसान को ये सिखाते हैं कि भाई आप जो हैं जरूरत नहीं है किसी भी बात पे गौर करने के लिए, आपने सिर्फ जो है मस्जिद में या दरगाह में किसी में बैठ जाओ, अपने मंदिर में बैठ जाओ. लेकिन इस्लाम जो सही पिक्चर है वो ये बताते हैं कि तदब्बर करो जमीन में, जरा अपने अपनी जात पे गौर करो कि क्या तुमने नहीं देखा कि हमने कैसे इंसान को पैदा किया. सो ये हमारे पास अलूम तबिया, तिब और फलकियात के जो है वो उसमें तहकीक करने का मशवरा रहता. न सिर्फ ये बल्कि इन्वेस्टिगेटिव ट्रेडिशंस, इन्वेस्टिगेशन की तरफ हमारे पास डॉक्टर गिस्टावली बान लिखता है कि एक जमाना था कि अरब के किताब खानों में इल्मी तहकीकात के कारखाने और आलाते तालुम और तहकीक के लाजमी वसाइल था. सो अरबी जो है एक जमाने तक जो है वो सिर्फ अपने आप को तहकीक और तालीम से ही वाबस्ता रखता था. आज सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है, यूएसए के पास. सबसे ज्यादा रिसर्च भी यूएसए की ही यूनिवर्सिटीज करते हैं. लेकिन ये साइंसी तरीके का होता क्या है जिसके ऊपर इस्लाम बात करता है? देखिए, इंसान ये बात करता है कि देख किसी भी चीज को समझने के चार तरीके का होता है. इनमें से सबसे पहले मुशाहदा होता है, यानी आपने ढेर सा मुशाहदा किया, फिर
तजर्बात किए, फिर नतज अखज किए। यही वो तरीक़ाकार है जिसे आज अहले मगरिब अपनाए हुए हैं, और हम लोगों ने ये समझा कि ये शायद उनका तरीक़ाकार था, लेकिन ये इस्लाम ने तरीक़ाकार दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि रॉबर्ट ब्रेफलेट की बात जो है वो देखिए। रॉबर्ट ब्रेफलेट ने बर्मला जो है वो इस चीज़ का इतराक़ किया कि भाई आज मजहब के नाम पे अगर यूरोप मुसलमानों को टेररिस्ट कहता है, तो ये बता दूं कि जो साइंस के तजर्बे थे इसे मुसलमानों ने ही मुतारिफ करवाया था। सो अगर जो है वो मुसलमानों का तजर्बा शामिल ना होता तो ये तहजीब कभी भी इस लेवल पे, जिस लेवल पे ये पहुंच चुकी है, कभी ना पहुंचती। हमारे पास तहजीब की तरक्की को समझने के लिए और देखने के लिए कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहरे कैफ हम इग्नोर नहीं कर सकते। मुसलमानों के अमली काम की नोयत क्या थी? अगर मुसलमान रिसर्च किया करते थे, तहकीक किया करते थे, तो वो कैसी तहकीक थी? देखिए, मुसलमानों ने अपने पीछे ऐसे इलम छोड़े कि जो मसीही उलमा कभी भी पसंद नहीं करते थे। एक मजहब के कायदीन दूसरे मजहब के कायदीन को ना तो पसंद करते हैं और ना ही करेंगे। पादरी मौलाना को, मौलाना पादरियों को, और ये दोनों पंडितों को ये मैं कभी भी एक आंख नहीं भाते। इंतहा पसंद मसीही उलमा के हाथों जो है वो यूरोप बदर हो चुका था। यूरोप के अंदर जो है वो पोप ग्रेगरी थे, और इसके अलावा सीजर अगस्तस, इनके कायम करदा शाही कुतुब खाना को नजरे आतिश कर दिया गया था। ये क्रिश्चियनिटी के अंदर भी मजहब के नाम पे बहुत देर तक चूर्ण बेचा गया था। मजहब जो है वो इतना पावरफुल रिलीजन हुआ करता था कि बादशाह वक्त जो है वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते थे। इमेजिन कीजिए कि एक रियासत का बादशाह जो है वो उस इलाके के चर्च से पहले इजाजत लेता है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं शादी कर लूं। तो ये सब की सब चीजें जो हैं वो ये बताई जाती थी कि बादशाह सलामत जो है वो चर्च से पूछेंगे। उनसे इल्म व फिक्र की आजादी छीन ली थी, लेकिन इस्लाम तो एक ऐसा मजहब था कि इस्लाम ने पहले दिन से ये बात किया कि इकरा पढ़ अपने रब के नाम से। अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पर फलसफा और साइंस का मुताला करता था तो चर्च उसे जिंदा जला देता था, और ऐसा हुआ। कहते हैं कि हमारे पास कोपरनिकस ने जब दरियाफ्त किया कि भाई सूरज जो है वो एक जगह पे साकन है और बाकी जो है वो सारे के सारे प्लैनेट्स इसके गिर्द घूमते हैं, तो कोपरनिकस को भी वार्निंग्स मिली। इसके अलावा गलीलियो ने, बहुत से लोगों ने अपनी साइंटिफिक जो है वो चीज़ें वापस ले ली कि जनाब हम जो है वो ये समय गलती लगी है, कैसा नहीं हो सकता। मुसलमान जो है वो आगे बढ़े, और मुसलमानों ने इस कदीम विरसे की हिफाजत की। आज भी दुनिया हाफिज इब्न फन्नास को जानती है, हाफिज इब्न फन्नास जिन्होंने पहली दफा जो है वो आर्टिफिशियल पर बना के दुनिया में उड़ने की कोशिश, पायलट बने। आज कीमिया, बसरियात यानी कि हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रल से मुतालिक जो है सारे के सारे इल्म मुसलमानों से ही मुतलिका है। लेकिन आज के मुसलमान जो है वो माजी से नहीं मिलते, तो इसमें मुसलमान जो है वो तो कसूरवार हैं आज के, लेकिन इस्लाम को कोई कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। ये बात है 642 की, 642 में सिकंदर के मिस्री यूनानियों की तरक्की याफ्ता और तामीर शुदा कदीम मिस्री साइंसी एलूम के वारिस बने। सिकंदरिया के मिस्री यूनानियों की तरक्की याफ्ता मिस्री जो है ये मुसलमान थे, और इन्होंने तमाम के तमाम साइंसी एलूम हासिल करने के बाद यूरोप में फैला दिया। और साइंस को अरब जो है वो सिर्फ अलकेमी कहते थे। निषाद सानी और रिनासांस कहते हैं रिवाइवल को, रिनासांस कहते हैं रिजुविनेशन को, रिनासांस कहते हैं रीबर्थ को, इलम का दोबारा से जिंदा होने को रिनासांस कहते हैं। अल्केमी और केमिस्ट्री मुतादव ख्याल किए जाते थे, तो केमिस्ट्री के मैदान में भी अगर किसी ने सबसे नाअहम चीजें दरियाफ्त की तो वो मुसलमान थे। क्या हमारे पास HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4 और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, मुसलमानों ने दरियाफ्त किए? जाबर बिन हयान को तो बाबा कीमिया कहा जाता है, मुसलमान था।
इवेपोरेशन और हमारे पास सब्लिमेशन का तरीकेकार आजाद करता है, क्रिस्टलाइजेशन की बात करता है। सो इनकी किताबों के तर्जमे जो हैं वो लतीनी जुबान में किए जाते हैं, क्योंकि लतीनी उन दिनों में बड़ी फेमस लैंग्वेज है। सो मुसलमान तो अपनी फील्ड में सबसे आगे थे। कुछ के कारनामे देखिएगा, अली इब्ने मोहम्मद बिन हसन इब्न हैशम जो है वो, जिसे दुनिया इब्न हैशम के नाम से जानती है, किताबुल मनाजिर लिख के हैरान कर डाला दुनिया को। आंखों के बारे में इतनी गहराई से बातें किसी ने सोची तक नहीं थी। और ख्वाज़मी मुफ्ताहिल अलूम के नाम से किताब लिखता है, जिसमें मुख्तलिफ जो है वह अलूम का जायजा देता है। फिर मूसा इब्न शाकिर किताबुल लहयाल के ऊपर बात करते हैं। जकरिया सिरुल असरार, जाबर बिन हयात किताबुल कीमिया, इनमें से कोई से दो से तीन जो है वो लिख लीजिए। मेडिकल साइंसेस की बात करें, मेडिकल साइंसेस में मुसलमान सबसे आगे थे। हमारे पास हम ये देखते हैं कि क्या ऑप्टिक्स के मैदान था, क्या हमारे पास जो है अदवियात नई नई थी, सब के सब में मुसलमानों ने जो है वो मुख्तलिफ किताबें लिखी। फारस से ताल्लुक रखने वाले साइंसदान अल राजी जो थे, जिन्हें यूरोप में रहीजीज के नाम से जाना जाता है, एक किताब जो है वो कंटिनेंस जो है वो लिखते हैं, जिसका नाम हमारे पास दायरतुल मुआरफुल हवावी है, अलावी है, दायरतुल मुआरफुल लहवी जो है वो किताब लिखी। तिब की दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और अभी तक इसके जो है वो चीज़ें, इसके मुख्तलिफ चैप्टर्स जो हैं वो पब्लिश होते हैं। दायरतुल मुआरिफ यानी इंसाइक्लोपीडिया लिखे, किससे इंसाइक्लोपीडिया लिखा, इब्ने सीना जो थे इन्होंने लिखा। सो हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ किताबें हैं, लेकिन सब के सब जो हैं वो मंसूब हैं मुसलमान साइंसदानों से। इब्ने सीना के बारे में कहा जाता है कि आप तस्वीरी याद फोटोग्राफिक मेमोरी रखा करता था। 21 साल की उम्र में बुखारा के सुल्तान की शाही लाइब्रेरी से सारी किताबें पढ़ लिया। और ये हमारे पास जो है एक बड़े ऑनर की बात है कि इनकी किताबें जो है वो मुसलमानों की वो बाइबल ऑफ मेडिसिन के तौर पर जानी जाती है। इसी तरह से हमारे पास तिब के मैदान में अली इब्ने रबान तबरी, मोहम्मद इब्ने जकरिया राजी और इब्ने सीना, इनकी मुख्तलिफ किताबें मौजूद हैं। गोया मुसलमानों ने एक जमाने तक जो है वो हर फील्ड के अंदर जो है वो अपनी सारी की सारी कामयाबियां जो है वो बनाई। ना सिर्फ ये, इब्ने बतूता जो कि एक अजीम सयाह था, क्या मराकश, क्या अरब, क्या मिस्र, हर जगह जो है वो फैला। और कहते हैं कि इब्ने बतूता ही था कि कई लाख किलोमीटर सफर उसने तय किया। सो 1,20,000 किलोमीटर उन दिनों, जबकि पैदल और घोड़े पे ही सफर हो सकता था। आप कोई भी फील्ड उठाइए, रियाजियात जो है वो उठाइए, आप उनमें जो है वो मुसलमान साइंटिस्ट का रोल देखेंगे। आप उसके बाद फलकियात में चले जाइए, आप वहां पे मोहम्मद इब्ने इब्राहिम को देखेंगे। आप अलजबरा की बात कर लीजिए, अलजबरा जिसमें हमारे पास जीरो का कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, हमारे पास मुसलमान जो है वो साइंटिस्ट वो इतना इलम को फैलाते हैं, इतना इलम को फैलाते हैं कि इलम फैलता चला जाता है। सो अब हमें पता चलता है कि मुसलमान जो हैं वो हर फील्ड में जो हैं वो आगे थे। फलसफा, हाँ गलत क्लेम करते हैं ना, वैसे तो मुसलमानों की बहुत सी चीज़ों को वो क्लेम कर लेते हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो डेफिनेटली कुछ और है। हिंदू जो फिलासफा है उन्होंने सीखा था, ये हिंदू फिलासफा उन्होंने सीखा था, किससे सीखा था, मुसलमानों से सीखा था। उन्होंने उनकी जो इंसाइक्लोपीडिया थे जिनसे वो बातें सीखा करते थे, वो मुसलमानों के इंसाइक्लोपीडिया थे। क्यों, हिंदू जो है वो कदीम तरीन मजहब है और मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों पर रिसर्च किया करता था। फलसफा, फलसफा कहते हैं कि किसी भी चीज़ की हिस्ट्री को देखना, उसके ऊपर अपने रिसर्च करना, हम आहंग कर देना। ठीक है, मुसलमान मुफक्किरीन कभी भी ये नहीं थे कि ये जो है वो गैर अब मुस्लिम है इनकी बातें नहीं मानते। मुसलमान मुफक्किरीन के मुताबिक अरस्तू भी सच्चा था, अफलातून भी सच्चा था, कुरान पाक भी सच्चा था। ठीक है, सो तीनों के दरमियान जो है वो हम आहंगी की जरूरत महसूस होती थी और वह हम आहंगी करते थे। ऐसा नहीं था कि जिसमें किसी एक चीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया करते थे। ईसाइयों ने ऐसे ही किया था, ईसाइयों को जो चीज समझ में नहीं आती थी
उन्होंने उसके ऊपर बैन लगा दिया, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, लेकिन मुसलमान रिसर्च को काम किया। और यही वजह है कि मुसलमानों की रिसर्च की वजह से साइंसी और फलसफियाना सोच का जो है वो एक ज़माना आता है। ये एक ऐसा ज़माना था जिसने बहुत सी चीज़ें जो है वो बदल के रख दी और मुसलमानों को नित नई चीज़ें जो है वो दी। और मुसलमानों ने फिर इसके अलावा इस इलम को इस्तेमाल करते हैं फन तामीर के अंदर। मुसलमान इससे दरसगाहें और जामियात बनाते हैं। आपको याद होगा हमारे पास जो है वो जामिया अजहर, बगदाद यूनिवर्सिटी, कुर्तुबा यूनिवर्सिटी। मुसलमानों की प्रेफरेंसेस जो हैं वो कुर्तुबा यूनिवर्सिटी और ऐसी यूनिवर्सिटीज, ऐसी जामियात थी जहाँ से जो है वो लोग आके पढ़ाया करते थे। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि इनके बनाए हुए हॉस्पिटल्स में ईसाई शाही खानदान जो है वो आया करते थे। हमारे पास मुसलमानों की लिखी हुई किताबें अफ्रीका के स्कूलों के अंदर एक ज़माने तक रही और वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। वहाँ पे लोग जो हैं वो इन किताबों से इलम सीखा करते थे। सो मुसलमानों की ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद रही और मुसलमानों ने तहजीब व तमदन पे गहरा असर छोड़ा। ना सिर्फ ये, आज इकॉनमी में बदतरीन जबूहाली का शिकार पाकिस्तान जो है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुस्लिम मौरख जो हैं वो अलामा इब्न खलदून जो हैं वो, उन्हें समझा जाता है कि वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के बादशाह हैं, बानी हैं। उन्होंने किताब किताबुल अबर के नाम से लिखे थे, सारे के सारे इमरानियात के असूल उसके अंदर मेंशन कर दिए। ये सारी की सारी चीज़ें अगर मुसलमानों ने दी थी तो हमारे पास मगरबी तहजीब की क्या खसूसियात है, मगरब की तहजीब क्या है? मगरबी तहजीब से जब भी हम बात करते हैं तो इधर हकीकत वो तहजीब होती है जो यहूदियों और ईसाइत के नज़रियात के हामिल है। ये वो तहजीब है जिसमें हम यूरोप की और अमेरिका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्कैंडिनेविया भी इन्हीं का हिस्सा। देखिए, जब हम मगरब की तहजीब की बात करेंगे तो मुख्तलिफ तहजीबें आ जाएंगी। पहले तो हमारे पास ईसाइत आएगी। अब ईसाइत है क्या? ईसाइत का मतलब ये है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा मजहब तो है ही है, लेकिन बात तक महदूद रहता है, नजरियात और ट्रिनिटी पे, अकीदा तसलीस पर यकीन रखो। ये मगरब में एक तो ये ईसाइत पाई जाती है जो कि अमेरिका वगैरह में ज्यादा अक्सरियत है। दूसरे नंबर पे हमारे पास सेकुलर हैं, लादीन हैं, उनको उनका कोई मजहब नहीं है। तीसरे नंबर पे मादियत है। मादियत का मतलब मटेरियलिज्म है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच है कि भाई दुनिया में जो कुछ है वो वही कुछ है। और जब इस तरह से ये मादियत की तरफ चले गए, मटेरियलिज्म की तरफ चले गए, दुनियावी जिंदगी पर चले गए, तो अब इन्हें अपने काम की ही परवाह होती है और किसी दूसरे की कोई परवाह नहीं होती। चूंकि मादियत को फॉलो करते हैं तो हर शख्स आज़ाद है, कोई किसी दूसरे के हकूक में दखल अंदाजी नहीं करता, ठीक है? और ये हमारे पास दखल अंदाजी से मतलब ये है कि अपने कामों में मगन रहते हैं, लेकिन मुसलमानों पे पाबंदी जरूर लगा देते हैं कि मुसलमान खवातीन को पर्दा करने या स्काफ पहनने की इजाज़त नहीं है। इसके नुकसान तो और भी हैं, इससे अनचेक लाइसेंस मिल जाता है सेक्सुअलिज्म पे, माशरे में अदम तवाजन पैदा होता है। डेमोक्रेसी जो है वो उसको ये फॉलो करते हैं, जबकि इस्लाम जो है वो हमारे पास डेमोक्रेसी की बजाय इस चीज़ पे यकीन रखता है, क्योंकि इकबाल ने भी कहा था कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो ये जो तहजीब है वो जमहूरियत के ऊपर जो है वो ज्यादा यकीन रखती है, ठीक है? लेकिन जमहूरियत पसंद मुसलमान ममालिक नहीं है। आप फलस्तीन की बात कर लें, मिस्र, शाम, अलजजायर की बात देख लें, और ये समझते हैं मुसलमान तो इस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है, जमहूरियत को। लेकिन जो जमहूरियत मगरिब देता है, मगरिब चाहता है कि वो उस जमहूरियत को फॉलो करे, ठीक है? मगरिब चाहता है कि जमहूरियत का जो वर्जन हम दे रहे हैं उसको फॉलो करे। मिसाल के तौर पर हम लोग जो हैं वो शाम, जी, आमिर प्लीज पूछें, मिस्र, शाम, अलजजायर, फलस्तीन में जो जमहूरियत है वो मगरिब को पसंद नहीं है। वो ये समझते हैं कि वो वर्जन होना चाहिए जो हमारे पास है। पाकिस्तान में जमहूरियत है, लेकिन ये जमहूरियत का वो वर्जन है कि जिसमें वो चाहते हैं कि इस्लामी अकायद के बारे में 295 BC जो है इसको ख़त्म किया जाए, यानी कि आप जो हैं वो किसी भी मजहब की कोई भी तौहीन करता है तो उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी ना। अपने वर्जन इनके कबूल है, लेकिन मुसलमानों की जमहूरियत भी इनके
मुताबिक जो है वो होनी चाहिए। जी आमिर साहब, आपका माइक ओपन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी डॉक्टर साहब, वालेकुम असलम। सर मेरा सवाल ये है कि हम खिलाफत को प्रमोट करते हैं, यानी इस्लाम में खिलाफत है, और सर अगर खलीफा ना हो, या इन केस एक खलीफा था वो यानी दुनिया से चला गया है, तो अब खलीफा तो हम वही हिसाब से चुनेंगे ना, वोटिंग करके फिर बनाएंगे, तो देखा जाए तो सर वो जमहूरियत ही फिर दोबारा शामिल होगी, या उसका कोई और तरीकाकार होगा खलीफा को चुनने में। अच्छा, इसके लिए हम जो है हम समझते हैं कि इस्लाम का खिलाफत का निज़ाम जो है वो था क्या। ठीक है, खिलाफत होती क्या है आमिर साहब? आमिर साहब देखिए, खिलाफत के लफ्ज़ी मैंने नियाबत से निकले हैं। कुरान करीम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, और वहाँ से जो है वो ये हुआ। इसका कॉन्सेप्ट वापस जाता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से ये कहा था, इन्नी जाला फिल अर्ज़ खलीफतन, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, वहां से होने वाला। अब आपका जो क्वेश्चन ये है कि खिलाफत का निज़ाम जो है वो वहां से चलता आता है, और चलते चलते जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी निज़ाम को जो है वो बताया। ठीक है, हम लोग आज जो हैं, जो खिलाफत का निज़ाम आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, पहली बात तो ये वो ज़रूरत क्यों है? वो ज़रूरत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन हैं, आपके बाद कोई और नबी नहीं आएंगे, इसलिए जो है वो सियासी निज़ाम को आगे लेके जाने के लिए इसकी खिलाफत जो है वो उसकी ज़रूरत होगी। और ये खलीफा किसका नायब किसका होगा? अल्लाह ताला का नायब होगा। लेकिन जो आज का जो सवाल है कि हमें खिलाफत चाहिए या हमें जमहूरियत चाहिए, ठीक है, खलीफा का तकर्रुर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं किया था, ये उम्मत की सवाबदीद पर छोड़ दिया था, जो कि आपका क्वेश्चन है कि अगर उम्मत की सवाबदीद पर है तो क्यों ना हम जो है वो इसका इंतखाब जो है वो करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी उम्मत जो है वो दो हिस्सों में डॉक्टर साहब बट जाती है, जो जिसकी वजह से आप जो जिसे हम डेमोक्रेसी को खिलाफत नहीं कह सकते। हजरत अबू बकर सदीक को जो है वो कहते हैं कि वो खलीफा अव्वल थे। ठीक है, अहले तशी कहते हैं कि नहीं जी, इमाम जो है वो हजरत अली थे, तो खलीफा नहीं होना चाहिए, इमाम होना चाहिए। पहले तो यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, जमहूरियत जो है वो खिलाफत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तो हम लोग जो हैं वो अहले तशी का कॉन्सेप्ट 12 इमामों में से है, वो समझते हैं कि हम लोग जो हैं वो नस्ली वारिस हैं इस चीज़ के, खिलाफत खानदानी नहीं थी। हमारी आज का जो निज़ाम है वो इससे कभी किसी तौर पर भी जो है वो मैच नहीं कर सकता, क्योंकि खलीफा जो है वो लोगों पे जब आ सकता था तो आम आदमी उससे इख्तलाफ तो कर सकता था, लेकिन खलीफा अपने फैसले जो है वो तब्दील भी कर सकता था और लोगों को मजबूर भी कर सकता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो एक खलीफा थे, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो निज़ाम अदल कायम किया था कि जो न चाहते हुए भी लोगों को मानना पड़ता था, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो है खिलाफत को आज की दुनिया में अगर आप लागू करेंगे तो वो थियोक्रेसी होने का इल्ज़ाम इस पे आ जाएगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि ये मजहबी जो है वो रियासत है, ठीक है, अल्लाह के नाम जी पर सर, हुकूमत करने वाली है। आज का जो आपका पॉलिटिशियन आता है वो अल्लाह के नाम पर नहीं आता है, ठीक है, वो आता है यूरोप का नुमाइंदा होने की हैसियत से, उस निज़ाम की हैसियत से जो कि मगरिब ने दिया। ठीक है, अगर इस्लामी हुकूमत आज इसको फॉलो करती है, और इस्लामी जो खिलाफत होगी उसे थियोक्रेटिक स्टेट जो है वो कही जाएगी। ठीक है, खलीफा होने के लिए जो है कुछ शरायत थी कि खलीफा मासूम होना चाहिए, खलीफा जो है वो सारे के सारे इकदार को फॉलो करना चाहिए, नमाजें पढ़ता हो, ठीक है, सारे के सारे काम कुरान और सुन्नत का पाबंद हो, जैसा कि खुलफाए राशिदीन थे। ठीक है, और वो खिलाफत को फिर लागू कराए, ठीक है, खिलाफत के मफहूम व निज़ाम को लागू कराए। ठीक है, लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो तो उसमें तो जो आपके नुमाइंदे होते हैं वो तो आपको पता है कि उन्होंने तो बोतलें भी बड़ी बड़ी रखी होती हैं गाड़ियों में शायद की। ठीक है, तो सर जी 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 इसमें ये है ना सर, आई सपोज हमें आज के दौर में खलीफा कोई चुनना है, तो सर हम उसके लिए क्राइटेरिया फिर भी रखेंगे ना सर, दो हो जाएंगे नॉमिनेटेड, हो जाएं तीन हो जाएं, तो फिर सर वो एंड में वही वोटिंग सिस्टम आ जाएगा, फिर वही लोगों की राय होगी, तो खिलाफत तो यही होती है ना असल में। जैसे आपने पहले कहा कि दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, जैसे अहले तशी कहते हैं कि इमाम होते हैं, तो यानी अगर देखा जाए तो फिर वही होना चाहिए, लेकिन उसमें भी ये हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स भी आ सकता है जिसका किरदार इतना अच्छा ना हो और वो खिलाफत के हाँ काबिल ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है आमिर साहब, आपने बिल्कुल ठीक
कई जो इस्लाम का निज़ाम है ना, इस्लाम जो है वो हमारे पास एक मुकम्मल दीन है, ठीक है, एक मुकम्मल दीन है, मजहब नहीं है, दीन है। और यही तो हमारे पास जो है इस्लाम की खूबी है कि इस्लाम ने हर चीज़ को, जिंदगी के हर चीज़ को कवर किया हुआ है। जो खिलाफत है उसमें शख्स जो है वो होना चाहिए जो कुरान और सुन्नत का फॉलो करने वाला हो, जी और जो जिसे लोग भी माने और वो लोगों से अपनी बात मनवाए भी, जी ठीक है। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शख्स ना तो खुद कोई इख्तियार रखता हो, जैसे आपका तो पीएम भी, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है ना, तो हम उसे ऐसे खलीफा कह सकते हैं ना, उसे खुद कभी नमाज पढ़नी है ना किसी दूसरे को उसने कहना है, ठीक है। खिलाफत तो वो मुराद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खलीफा हजरत आदम को भेजा था, तो ये भी साथ में बताया था कि तुम्हारे लिए मैं जमीन में करारगाह बना रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ हमेशा नहीं रहोगे, मेरी तरफ से जो हदायत आएंगी, कुरान पाक की आयात है, मेरी तरफ से जो हदायत आएंगी तुम उनकी पैरवी करोगे। लेकिन आपका जी अगर आज के दौर में कोई ऐसा इंसान है जो ये कर सकता है तो वो खलीफा बन सकता है, लेकिन चूंकि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ये बदल चुकी है, तो आज के दौर का जो निज़ाम है जो आप डेमोक्रेसी से चूज करते हैं वो शख्स खलीफा नहीं है। खलीफा की कुछ शराइत हैं जो आपने पॉलिटिकल साइंस पेपर मेरे ख्याल 2 में भी पढ़ी होंगी, ठीक है, पेपर 1 जी में बल्कि जी पढ़ी होंगी, उसको भी जो है वो आप देखिएगा, ठीक है। तो ये खिलाफत जो है वो यहाँ से आज का दौर बिल्कुल नहीं होगा। खिलाफत खत्म हो गई थी 1918 में, और वो भी जो हमारे पास खलीफा थे ना, जब आपको पता टर्की थी जी तब जो है वो खलीफा जो थे उनके बारे में भी मुसलमानों के मुख्तलिफ तबकात में मुख्तलिफ जो है वो किस्म के तासुरात पाए जाते थे। कुछ कहते थे कि खुलफाए राशिदीन के ऐन मुताबिक, असूलों के मुताबिक जो है वही जो है वो खलीफा होंगे। तो आपको पता होगा जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया था कमाल अतातुर्क ने, ठीक है, जी लौजान सर मादा जी सर हुआ था, तो अब ये मेरा ख्याल है कि हम लोग जो है वो आज की डेमोक्रेसी को कतन खिलाफत नहीं कह सकते, जी सर थैंक यू सर ठीक है। यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। और दूसरा ना अमीर साहब, खलीफा जो है वो खुद मुख्तार नहीं होगा आज के दौर में, वो खलीफा जो है वो कुरान और सुन्नत का जो है वो पैरोकार होगा, फैसले करेगा उसके मुताबिक करेगा, और फिर जो है अपना लोगों को कोशिश करेगा कि उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाए। और डेमोक्रेसी जो है वो उसमें ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो दोनों मुख्तलिफ निज़ाम है और दोनों की अपनी करेक्टरिस्टिक्स है। जी सर अच्छा जी, थैंक यू जी आमिर साहब आपके क्वेश्चन के लिए। अच्छा जी, सो मुसलमानों ने मगरबी तहजीब के नज़रियात में इल्म व फ़नून को भी जो है वो परवान चढ़ाया, अकीदा दीन था, फतुहात थे, और हमारे पास जो है मुसलमानों को इनके अलूम को मगरिब में मुंतकिल करने का सिलसिला बड़ी शिद्दत से चलता रहा। वेलकम आमिर साहब, वेलकम। अब जो है मुसलमान साइंसदान थे कि जिन्होंने ना सिर्फ जो है यूरोप के हवाले से यूरोप को नई नई चीज़ें जो हैं वो देने की कोशिश की, क्योंकि मुसलमान जो हैं उन कोशिश करते थे कि अपनी तहजीब व तमद्दन को परवान चढ़ाएं, ठीक है। जब भी मुसलमानों ने दूसरी कंट्रीज की तरफ गए, वहां पर उन्होंने कोशिश की कि अपने अलूम को जो है वो वहां पे बांटें। मुसलमान साइंसदानों को जब इन्होंने सलीबी जंगों के बाद देखा कि यार ये तो बड़े काम के लोग हैं, तो उन्होंने मुसलमान साइंसदानों को यूरोप में मुंतकिल करना शुरू कर दिया, ठीक है। और यूरोपी तलबा जो हैं वो फिर यहाँ पे आते थे, मुसलमान फलसफे और साइंसदानों से इलम हासिल किया करते थे, जिसमें हमारे पास बाद में फिर पोप जो है वो सीखता है, गर्बर्ट सीखता है, ये बड़े बड़े नाम हैं मुसलमानों के अलूम को जो है वो तर्जमा किया जाता है। तो एक बड़ा फेमस राइटर है जिसके बारे में मैं आगाज में बात कर रहा था, गस्तावन बली जो है, गस्तावन जो है वो ये हमारे पास कहता है, इसके दो नाम है गिस्तावन बांग और गिस्तावन, ये कहता है कि हमारी तहजीब तो वही तरक्की करना शुरू की, मुकम्मल तौर पर आबाद किया, तो फिर कहीं जाके हम लोगों ने चीजें सीखी। मुसलमानों को जो टेक्नोलॉजी आज आप दुनिया में देख रहे हैं, इन सब के सब पीछे मुसलमानों का हाथ था, ये मैं नहीं कह रहा, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी बताती, वो ये बताती है कि तहजीब इंसानियत जिस मुकाम पे है, इस्लामी तहजीब पे इसके पीछे बहुत अहम किरदार है। इसे एक दफा डिटेल से देख लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आप मेंशन करेंगे, ये नाम बस याद कर लीजिएगा, बाकी डिटेल्स आप खुद से लिख सकते हैं। रॉबर्ट बर्फाल्ट की किताब मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी की बात कर सकते हैं,
इसने मुसलमानों को जो है वो खराज तहसीन पेश किया कि भाई दुनियाए हाजिर पर जो है वो इस्लामी अलूम व फनून का बड़ा एहसान है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अभी ये चीज़ तो सर्टन है कि जब एक तहजीब व तमदन जो है वो तरक्की करेगी, दूसरी तहजीब ने उसको नीचा दिखाना है, तो भाई अब तसादम तो होगा। और जब तहजीबों का तमादन होगा उसे हम कहते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अब मगरिब कहता है कि जी हमारी तहजीब सबसे अच्छी है, मुसलमान जो है वो कहते हैं कि हमारी तहजीब अच्छी है। अब इन्हीं की वजह से जो है वो ये सैमुअल पी हंटिंगटन का एक बेसिकली आर्टिकल था जो कि शामिल कर दिया गया, ठीक है। सैमुअल पी हंटिंगटन का एक आर्टिकल है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है, इसे पढ़िएगा आपको पता चलेगा। सैमुअल पी हंटिंगटन जो है वो ये बताता है, जिसको देखते हैं तफसील से जो है वो, तहजीबी तसादम का नजरिया बेसिकली उसी के साथ मुंसलिक है। सैमुअल पी हंटिंगटन जो है वो 2008 में इसकी डेथ हुई थी, ये बताता है, वो कहता है कि भाई लोगों की जो सकाफती और मजहबी शिनाख्त है ना वो जंगों के बुनियादी वजह बनेगी, कि मैं मुसलमान हूँ तुम काफिर हो, कि अब जो है वो जंगें इस वजह से हुआ करेगी। और ये नारा बड़ी जोर शोर से जारी है, यहूदी क्यों जो है वो मुसलमानों पे अटैक कर रहे हैं और अमेरिका क्यों नहीं बोल रहा है, इसके पीछे मजहबी शिनाखत है, मुसलमानों की सकाफत जो है वो मिट रही है। और मुसलमान क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या वजह है कि जनाब साउथ अमेरिका की स्टेट ने जो है वो बायकॉट कर दिया, चिली ने बायकॉट कर दिया, नॉर्वे ने बायकॉट कर दिया, इसके अलावा हमारे पास जो है इवन फ्रांस के जो है वो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि इसको इसराइल को बंद कर देना चाहिए, अब ये इतना ज्यादा अटैक नहीं करे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी रियासतों ने अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने नहीं बुलाए। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम जो नॉर्मलाइजेशन के ताल्लुकात हैं हमारे वो चलते रहेंगे। जॉर्डन ने नहीं किया, टर्की ने बातों से आगे कुछ नहीं किया, ईरान ने कुछ नहीं किया, ठीक है। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई मुस्लिम्स आर नॉट सपोर्टिंग देयर ओन ब्रदर्स? द वेरी रीजन इज दैट कि अब जो है ये जंग का जंगो तनाज़ा के वजह जो है वो मजहबी और सकाफती शिनाखत तो बनी, लेकिन मुसलमानों को सैमुअल पी हटिंगटन के मुताबिक जो है अगर वो जिंदा होता तो वो बताता कि अब इनको मटीरियलिस्टिक अपने माली फायदे जो है वो ज्यादा नजर आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मालियात पे फोकस ज्यादा है, तो पाकिस्तान जैसे ममालिक भी जो है वो खामोश हैं। फलस्तीन के अंदर जो है वो लोग अपने मुंह के ऊपर मुख्तलिफ कौमों के झंडों की तस्वीरें लगा के जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, जिसमें आपको जान के दुख होगा कि वतन अजीज का झंडा भी था और लिखा हुआ था द ओनली न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इज नॉट लिसनिंग आवर वॉइस, ठीक है। तो हमारा तो उन्हें बेचारों को क्या पता कि हमारा तो न्यूक्लियर बम भी बस हमने वैसे ही बना लिया। मैं वो बता रहा था करंट अफेयर्स की क्लासेस में हमारी फर्स्ट यूज पॉलिसी के बारे में, मुझे एक स्टूडेंट बता रहा था कि सर वो हमारे एमपीटी में भी क्वेश्चन आया हुआ था जो आपने हमें बताए थे, और सर एमपीटी में ये भी पूछा गया था पहली लाइन थी एंड वाली लाइन कैसे कैसे थी, पैराग्राफ्स के बारे में बहुत सी चीज़ें आई हुई थी, ठीक है। तो लाइक देर वर ए लॉट मेनी थिंग्स के जिन्हें हमने डिस्कस किया हुआ था। तो खैर मजहबी शिनाख्त जो है वो होगी, तो ये नारा बड़े जोर शोर से जारी है कि मजहबी जो है वो इख्तलाफात नजरियाती जो है वो उसका ज़माना ख़त्म हुआ होगा। जी जी प्लीज़ पूछें, जी पूछें, आपका माइक माइक ओपन ना कर दें, माइक आप ओपन कर सकते हैं अपना नेम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम नईम साहब। सर जो आप ऑप्शन बता रहे हैं न्यूक्लियर पॉलिसी वाला, उसका कौन सा ऑप्शन आना चाहिए था? यार पाकिस्तान कौन सी हमारी पॉलिसी? वैसे तो हमारी यही है कि हम जो है वो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करते हैं। आपने कौन सा लगाया? मैंने सर शायद फर्स्ट वाला नहीं लगाया, शायद उसके अलावा कोई लगाया था। वैसा करेक्ट आपने आंसर कौन, उसका फर्स्ट यूज आना आपने कोई और चाहिए लगाया है? जी। हाँ जी जी बेटे, हमने वही डिस्कस किया था, ठीक है। जी पाकिस्तान सर जो ठीक। है वो हमारा वो है फर्स्ट यूज जो है वो हमने कि हमने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बताया हुआ है कि हम पहले इस्तेमाल करेंगे। इंडिया का है नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन जो है वो, ठीक है। लेकिन हमने ये कहा हुआ है कि हम जो ठीक है है वो सर। जनाब अगर हम पे किसी ने अटैक करने की कोशिश की तो हम जनाब जो है वो सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन से उसको रिस्पॉन्स करेंगे, इंडिया को डराने धमकाने के लिए, ठीक है।
इंडिया ने ये जी कहा ठीक है कि अगर जो है वो हम करेंगे सेकंड स्ट्राइक, उसने कहा कि अगर कोई हम पे कंट्री अटैक करेगी हम पहले वार्निंग देंगे फिर जो है न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाएंगे। हमने कहा कि हम वार्निंग भी नहीं देंगे, हम ये करेंगे। ये ममालिक जो है वो बेसिकली दूसरे ममालिक के ऊपर रोब दबदबा कायम करने के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है, कि जी अपने आप को मैसिव रिटेलिएशन से बचने के लिए, ठीक है। तो ये है, तो आप फिर गलत कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हो गुड गया न्यूज है। इज कि आप पास हैं। हाँ जी चले, तो अब जी हमारे पास जो है तहजीबी मुखालिफत और मुबनी, अब जो है वो उसे इंग्लिश ऐसे में टफ टाइम देना, जरा नोट कर लीजिएगा मेरी बात जो है। मिडिल ईस्ट के इश्यूज को, लिटरेरी एसेज को वो लेगा, और प्रेसी एंड कंपोजिशन में दो चीजें, प्रेसी और कंपोजिशन, ये दोनों जो है वो टफ होंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स में तो आपको जो टॉपिक्स हैं वो वही रहेंगे, ठीक है, तो इनको देखिएगा। हाँ जी, इन्हें कोई इंजेक्शन दें डॉक्टर साहब, अगर आपके पास अवेलेबल है इंसानों वाला वो वाला। अच्छा जी, हम जो सो हमारे पास मुख्तलिफ तहजीबें हैं, लेकिन सैमुअल पी हटिंगटन जो है मगरबी चीनी जापानी इस्लामी हिंदू इनके ऊपर बात करता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि क्या वाकईतन ऐसा है कि तहजीब जो है वो क्या तहजीबों की वजह से भी झगड़े होंगे। भाई देखें, बात यह है कि ये बात आज की नहीं है। इस तहजीब के मतलब यह है कि दुनिया में हर तहजीब ही अपने आप को जो है वो डोमिनेट करना चाहती है। वो ये चाहती है कि दुनिया में अगर कोई तहजीब जो है वो काम करे तो वो हमारी तहजीब हो। अब मुसलमान भी ऐसा चाहते हैं और इसमें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तहजीबी तसादम की इस्तलाहें दरियाफ्त की, जिन्होंने इस पर काम किया। वो शख्स जिसने पहली दफ़ा इस पर काम किया वो बर्नार्ड लेविस था, ठीक है, एक मॉडर्न था। उसने ये बताया कि सबसे पहले 1993 में मुसलमानों के गुस्से की जड़ें द रूट्स ऑफ मुस्लिम रीग पे एक आर्टिकल जो है वो काम करता। मुसलमानों का रीज होता क्यों है, क्या वजह है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का वर्ड बर्नार्ड लेविस अपने आर्टिकल में यूज करता है। बर्नार्ड कहते हैं कि मुसलमान जो दुनिया में जितने भी जुल्म और सितम होते हैं मुमालिक में, और ये सारे के सारे मुसलमान जो हैं वो करता है, ठीक है, वो ये समझते हैं कि मुसलमान करते हैं। पहले तो इनका ये पॉइंट था, और मुसलमानों ने जब ये पॉइंट रेज किया, लेविस का ये यकीन पहले ये था कि मुसलमान करते हैं, ठीक है। मुसलमानों ने फिर नतीजतन जो है इनकी बुराइयों का जिम्मेदार जो है वो इनकी कंट्रीज को ठहराना शुरू कर दिया। बर्नार्ड लेविस ने पहली दफा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के मुद्दे को उठाया, इस नुक्ते पर बात करना शुरू की। इसी को आगे लेके चलता है सैमुअल पी हंटिंगटन जो है। वो कहता है, एक किताब है जी, इस किताब को फ्रांसिस फुकुयामा की किताब है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, बड़ी जबरदस्त किताब। इस किताब का मुद्दा ये है, बात ये है, मेन पॉइंट ये है, थीसिस स्टेटमेंट ये है कि भाई हम लोग जो हैं तहजीबी तसादम जो है वो हिस्ट्री को तारीख को खत्म कर देगी। मैं मुसलमान हूँ, मुझे इसलिए जिंदा रहना है, ये ईसाई है इसे इसलिए मरना है, तुम कादियानी हो इसका गला काट दो, तुम ये हो कादियानियों को, तो वैसे भी हमारी मजहबी हम लोग कादियानियों को ये कहते हैं कि भाई तुम लोग इस चीज को तस्लीम करो कि तुम माइनॉरिटी हो, और जब तुम माइनॉरिटी तस्लीम करते हो खुद को तो फिर उसके मुताबिक तुम जो है बढ़ो, लेकिन तुम लोग अपने आप को मुसलमान ना कहो। लेकिन खैर, तहजीब व तमद्दन जो है वो सारी की सारी चलती है, और वो नईम साहब जैसे कहते हैं तो सब भाई भी। तो सैमुअल पी हटिंगटन जो है, फ्रांसिस फुकुयामा, ये नाम मेंशन करना लाजमी है। 1993 में फॉरेन पॉलिसी रिसाले में एक आर्टिकल जो है वो इनका छपता, ये जरूर पढ़िएगा क्लास में। ये आर्टिकल जो है इकोनॉमिस्ट के हो गए, फॉरेन पॉलिसी के हो गए, फॉरेन अफेयर्स के हो गए, बड़ी इकोनॉमिस्ट के ऊपर बड़ी सख्त क्रिटिसिज्म की जा रही है कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है वो इस चीज़ का हामी है, कायल है कि जनाब इसराइल को मुसलमानों पे अटैक करते रहना चाहिए, जो कि इंतहाई गलत बात है, लेकिन इकोनॉमिस्ट जो है वो इसको सपोर्ट करता है। वो कहता है जी इसराइल जो है इसने जो है हमास जो है वो इसने इसराइल पे अटैक किया और 1400 बंदे मार दिए, और इसराइल ने जो है अपनी नई अपडेटेड जो लिस्ट जारी किया, उन्होंने कहा जी 1400 नहीं 1200 मरे था, ठीक है, मजीद वो कम होते चले जा रहे हैं।
अब ये वजह क्या है? ठीक है जी, हटिंगटन के काम को अमेरिका पर 9/11 के दहशतगर्दाना हमले और दहशतगर्दी की आलमगीर लहर के बाद मकबूलियत हासिल है। अमेरिका पर जो 9/11 के हमले होते हैं उसमें सऊदी जो है वो इन्वॉल्व था, लेकिन ये सऊदी अरेबिया के लोगों को कैसे लाइसेंस मिलते हैं, कैसे अटैक हो जाते हैं? कहते हैं कि अमेरिका की ये एक अपनी साजिश थी कि जिससे उसने जो है एक मौका लिया ताकि मैं जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर सकूं। ठीक है, अभी स्क्रीन वापस आ जाती है जी हमारी। तो अफगानिस्तान ने ये एक अपना जो है वो मौका लिया, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, लेकिन हटिंगटन ये कहता है कि भाई तहजीबों का जो है वो तसादम होगा। पहले तो लोग इसकी बात को बड़ा लाइट लेते हैं, लेकिन फिर जो है वो जनाब जब 9/11 होता है तो दुनिया दो हिस्सों में बट गई, एक तरफ मुस्लिम स्टेट एक तरफ गैर मुस्लिम स्टेट। अब यहाँ पे उसने बताया कि भाई देखें, अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉलरेंस का मुजाहिरा करना पड़ेगा, टॉलरेंस। अब ये जो इनके दरमियान तसादुम है, जो इनके दरमियान क्लैश है, वो किस किस तरह से हो सकता है? सैमिन पी हटिंगटन से पूछा गया कि भाई ये तो ठीक है तुमने बता दिया कि इनके दरमियान जो एक क्लैश होगा तहजीबों के दरमियान, लेकिन होगा कैसे भाई? उसने कहा पहली बात तो ये है कि इनके दरमियान जो क्लैश होगा वो हमारे पास होगा कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से। कल्चरल डिफरेंसेस क्या होते हैं हमारे पास? उसके मतलब ये है कि मेरा जो कल्चर है, आपके पास पेज वो नहीं आया, आ जाता, कि मेरा जो कल्चर है मैं किसी दूसरे कल्चर को अडॉप्ट नहीं करूँगा। बैक वक्त मैं मुसलमान हूँ और उसी वक्त में मैं ईसाई हूँ, मैं ये बात नहीं मानूंगा, इस बात को मैं तस्लीम नहीं करूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं अपने मजहब को ही बेहतरीन समझूंगा, अगर आप ईसाई हैं तो आप अपने ही मजहब को बेहतरीन समझो। पहली बात तो ये है, सकाफती जो है वो इख्तलाफात कल्चरल डिफरेंसेस मौजूद है, इन पर कोई समझौता नहीं करेगा। तो सैमुअल पी हटिंगटन कहता है कि इस वजह से लोगों के दरमियान जो है इख्तलाफात होंगे। दूसरी वजह वो क्या है? दूसरी वजह ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि जनाब अब तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। सैमुअल पी हटिंगटन साहब, आप जो बातें कर रहे हैं कि लोगों के दरमियान मजहबी तसादम होगा, अब तो दुनिया बड़ी ओपन माइंडेड हो रही है, अब तो सारे के सारे एक दूसरे से तावुन करते हैं, सब के सब सुनते हैं। वो कहते हैं कि राबते जो हैं ये ईसाई है तो इसलिए इससे नफरत करनी है, ये मुसलमान है तो इसलिए इससे नफरत करनी है। आलमगीरियत, लोगों को जानना, किसी को आपने देखा होगा जब आप किसी को ज्यादा जान लेते हैं ना तो फिर उसके बाद आपका उसमें से इंटरेस्ट खत्म होता रहता है। ठीक है, ये एक रिसर्च है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज में से, किसी शख्स में से, किसी भी तरह से आप उसे इंटरेस्ट खत्म ना करें तो यू विल हैव टू मेंटेन लिमिट्स। अगर आप लिमिट्स जो है वो फॉलो नहीं करते हैं तो भाई आप फिर जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी। सो किसी को जानना सबसे बड़ा मसला यही है कि जब लोग किसी को समझ लाता, जहां से जिंदगी जो है एक सर्कल की तरह चलती है। देखिए आपने जब कभी किसी पीक को टच कर लिया, फॉर एग्जांपल उसके बाद आपकी किसी एक शख्स के साथ, मान लीजिए कि आपने जिंदगी में जो है उसके साथ चलना शुरू कर दिया, ऐसी तहजीब है, आपने समझा अच्छा जो है वो किसी के साथ रिलेशनशिप रखा, अब वो अपनी पीक को टच करेगा और ये पीक को टच करने के बाद उसने डाउनफॉल की तरफ आना ही आना है। आप भले उसको जितना मर्जी मेंटेन करें, फिर आप आर्टिफिशियली तो मेंटेन कर सकते हो, लेकिन आप जो है वो कभी मेंटेन उसको रियलिटी में नहीं कर पाओगे। जब आप पीक पे चले जाते हैं, और पीक पे जाता है, पीक पे लेके जाने वाले कौन से एलिमेंट्स हैं? अवेलेबिलिटी, किसी शख्स की 100% अवेलेबिलिटी होना, हर वक्त हर जगह मौजूद होना, किसी चीज की 100% अवेलेबिलिटी होना। किसी बच्चे को आपने देखा होगा जब नया नया टॉय आता है तो कैसे वो जब सोता भी है तो साथ लेके सोता है, उसके साथ ही जो है वो जागता है, उसको मोहब्बत करता है। या आप अपने मोबाइल फोन का ही अंदाजा लगा लें, जब आप नया खरीदते हैं कितनी केयर करते हैं, लेकिन बाद में उसको जो है वो बेड पे फेंकना शुरू कर देते हैं, फिर नीचे भी गिर जाए तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, शुरू शुरू में नीचे गिरे तो आपकी जान निकलने वाली हो जाती है, एक जमाना आता है नीचे गिरते हैं आप उठा के जो है वो कहते हैं इसे कुछ नहीं होना, दोबारा जेब में डाल देते हैं। ठीक है, सो आगाही जो है, जो शऊर है, जो किसी के अंदर घुस जाना होता है, जो समझ लेना होता है, ठीक है, सो हमारे पास जो है वो इस चीज का सबसे बड़ा फेमस है। सर ऐसे तो मामा बाबा के साथ जो एफिलिएशन है वो तो कम नहीं होती, मामा बाबा के साथ आपकी एफिलिएशन कम नहीं होती,
लेकिन मामा बाबा जो है वो आप बच्चों के, आप इसका जेनेरिक केस ना लीजिएगा, हमने और आपने अपनी जिंदगी में बहुत से लोग देखे होंगे, आप इस चीज को बताइएगा जो मैं पीक पॉइंट कह रहा हूँ, कि जैसे ही जो है वो वाइफ की एंट्री होती है, हर एक नहीं लेकिन जो बेटा है वो वालिदा को इग्नोर करता है और बीवी को मानना शुरू कर देता है। हम सही या गलत की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हर टाइम अवेलेबल होते हैं, बट व्हाट इज द रीजन कि वो ये चाहता है कि अब वो अपनी वालदा की बजाय अब बच्चों की वालदा की ज्यादा सुनता है। सो इट मीन्स कि वो पीक से पॉइंट से जिंदगी वापस आ गई ना दोबारा से, ठीक है, देर से पहुंची लेकिन पहुंची तो सही। क्या वजह है कि यूरोप के अंदर जो है वो ओल्ड हाउसेस मौजूद हैं कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को वहां पे छोड़ देते हैं, दे आर ह्यूमन बींग्स, अब इंसान तो हैं, पीक पे तो लेके जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। क्या वजह है कि बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं, अब आप जाके गूगल पे लिखेंगे ना, द मैन हु किल्ड हिज मदर और द वुमेन हु किल्ड हर फादर, यू विल फाइंड ए लॉट मेनी पीसेज ऑफ न्यूज, जेनेरिक नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। आई एम श्योर कि आप इस चीज से एडमिट करेंगे कि ऐसा होता है, कि आपने ये भी सुना होगा कि बीवी के पीछे लग के वालिदा को छोड़ दिया, माँ बाप को जो है वो बुलाना छोड़ दिया, ठीक है। तो हमारे एक अपने मामू थे, अल्लाह ताला की जात, उन्हें अगर वो जिंदा हैं तो उन्हें जिंदगी दें, अगर नहीं है तो उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। तो चूंकि हमारे रिलेशनशिप जो है वो ऑब्वियसली बच्चों का ननिहाल की वजह से होता है, तो उन्होंने मैरिज के कोई एक साल के बाद अपनी वालिदा को छोड़ा और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने बताया, वो नाराज होके चले गए, या वो वैसे उनकी बीवी थी पहले, उन्होंने उनको मोटिवेट किया। रीजंस ए बी सी जो भी हों वो टॉपिक की डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये हिस्सा ये जरूर है कि उन्होंने अपनी वालिदा के साथ जो है वो खत्म हो गए। एक जमाना वही था कि वो रह नहीं पाते होंगे, एक जमाना वही था उन्होंने फील किया कि मेरी माँ ही सब कुछ है, ना फिर माँ रही, ना भाई रहा, ना बाप रहा। सो दिस थिंग इज दिस, कि हम जब जो है वो टॉप के पॉइंट पे चले जाते हैं तो उसके बाद जो है वो डिक्लाइन होता है, ठीक है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। आपने नए नए जो है वो लवर्स को देखा होगा कि जब शादी से पहले जो है वो दे स्पेंड आवर्स ऑन कॉल्स एंड ऑल द थिंग्स लाइक दैट, और उसके बाद जो है वो बाद में फिर दे आर नॉट विलिंग टू मेक इवन अ सिंगल मिनट कॉल। व्हाट इज दिस, द इन्फ्लेक्शन थ्योरी इज देयर, ठीक है। सो हमारे पास आलमगीरियत जो है वो, कि भाई आज के जमाने में अगर जिंदा रहना है ना तो यू विल हैव टू बिकम एनोनिमस, ठीक है, एनोनिमस। सो ये हटिंगटन की दलील है, वो कहता है कि जी रवाबते ही तो बताएंगे ये क्या, और फिर उसके बाद जो है वो इख्तलाफात हों। जब आप किसी को जानते हैं तो आपको पता लगता है, अच्छा यार इसमें तो ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, जानते नहीं है तो मिसाइल का भी पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये भी जो है वो इश्यूज साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। सो हमारे पास जो है ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, और सैमुअल पी हटिंगटन साहब जो है वो इन इश्यूज के ऊपर जो है वो बड़ा गहरा जो है अपना तजिया पेश करते हैं। उनका तजिया मल्टीपल रीजंस की वजह से जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आमिर जब झुकाव आ जाता है ना किसी चीज में जो है वो, ठीक है, इन्फ्लेक्शनल पॉइंट के जिस टॉप पे पहुंचे और उसके बाद इन्फ्लेक्ट होना शुरू हो गया, झुक गए, बदल गए, वहां से बदल गए जो पहले आप काम कर रहे थे। मुआशी जिद्दत पसंदी जो है वो, अच्छा तीसरा वो नुक्ता देता है, वो कहता है जी इकोनॉमिक मॉडर्निटी वजह बनेगी। अब वो क्या है, देख ये तो बेहतर है कि तीसरी हमारे पास हर एक के पास जो है वो पैसे ज्यादा आएंगे, सबके सब जो है वो चीजें लोगों के लिए बेहतर होगा। वो कहता नहीं बेहतर होंगी भाई, जैसे जैसे मुआशी जिद्दत पसंदी आएगी लोग गरीब भी हो जाएंगे, जो खला रह जाएगा ना फिर गरीबों को बताया जाएगा अल्लाह का यही हुक्म है, अल्लाह ने ये कहा हुआ है कि यहाँ पे भूखे रहो, अगली दुनिया में जाके तुम्हें मैं अच्छा खासी जो है वो नवाजूंगा, ठीक है। सो फिर इनको बताया जाएगा कि ये देखो यूरोप के अंदर जो लोग हैं वो जो है वो खाते पीते हैं सबके सब, उनका मुआशी सिस्टम बहुत बेहतर है, हमारा बेहतर नहीं है, तो आपका, और यहाँ से फिर लोग माइग्रेट करना शुरू कर देंगे इस तरफ जाओ, ठीक है। तो जहां जहां पे जिसने इकोनॉमिक मॉडर्निटी को अपनाया लोग यहाँ से दूसरी तरफ चले जाएंगे। वंस अगेन ये सैमुअल पी हटिंगटन जो है वो उनके नजरिया था। फिर वेस्टर्न वैल्यूज के बारे में बताता है, वो ये कहता है कि भाई मजहब जो है और गैर जो सॉरी मगरब है और जो गैर मगरब है,
इन दोनों की तहजीबो सकाफत जो है वो बदल जाएंगे। ठीक है, मुसलमान जो है वो ये कहता है कि ये इनके बारे में जारहाना अजायम रखेंगे, वो ये कहेंगे कि ये सेकुलर जो है इनको भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मॉडर्निटी को भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जबकि इसको लगता है कि भाई जो मजहब के अंदर जो चीजें हैं उनकी अलहदगी के लिए मगरिब के लोग भी बाहर निकलेंगे। मगरिब के लोग ये कहेंगे कि हमें इंसानी हकूक चाहिए, मसावात चाहिए, आज़ादी चाहिए, कानून की बालादस्ती चाहिए। ठीक है, और ये रियासत के कामों से मजहब से अलहदा कर दो इस चीज़ को। ये ना कहो कि ईसाइत कहती है तो इसलिए हक देना, ये कहो कि ये इंसानों की जरूरत है तो इस चीज़ को हक लो। ठीक है, सुप्री डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज में वो। तो वो ये बताते हैं कि भाई जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है वो इस्लाम ही रहेगा, और मजहब जो सॉरी जो मगरब है वो मगरब ही रहेगा, ये दोनों जो है वह इसी तरह से कायम रहेंगे, और ये जो है वो इनके दरम्यान तसादम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब इनके जो नजरिया तसादम है इसके पीछे इस सिंड्रोम की वजह क्या है, इसके जो हक में हैं वो लोग क्या कहते हैं, जो इसके खिलाफ हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब जहाँ तक इस नज़रिए की कबूलियत का ताल्लुक है, कुछ लोग ऐसे हैं, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो उसको मानते हैं, एक वो होते हैं जो उसको इग्नोर करते हैं। कुछ ये समझते हैं कि यार ये सैमुअल पी हचिंगटन ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और सबसे पहले तो नाम आ जाता है बर्नार्ड लेविस का, जो जिसने इस सलाह को इस्तेमाल किया था। वो अपनी जो मजमून है मुसलमानों के गुस्से की जड़ें, द रेज ऑफ द रूट्स ऑफ द मुस्लिम रेज के अंदर जो है वो बताता है कि जनाब इस्लामी दुनिया में जुल्म और गुर्बत इस्लामी बुनियाद परस्ती की वजह है, फंडामेंटलिज्म की वजह है। फंडामेंटलिस्ट कि भाई हम लोग मुसलमान हैं हम ऐसे ही करेंगे, जिसने दाढ़ी नहीं रखी वो गैर मुसलिम है, जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो काफिर है, वट एवर। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन बर्नार्ड लेविस जो है वो ये कहता है कि ये फंडामेंटलिज्म है, ये बुनियाद परस्ती है। फंडामेंटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा बंदा जो कहता है कि मेरा अकीदा ही ठीक है और यही बुनियादी अकीदा। ठीक है, जो अपने ही बात उसको फंडामेंटलिस्ट भी कहते हैं, उसको फैनेटिक भी कहते हैं, उसको एथनोसेंट्रिस्ट भी कहते हैं। तो ये बर्नार्ड लेविस कहता है कि यार ये वजह है कि इस्लाम के अंदर जुल्म और गुर्बत ज्यादा है, चूंकि वो गैर मुस्लिम है तो वो इस्लाम के ऊपर कुछ एलिगेशन लगा रहा है, और इसकी वजह से ये मगरिब से टकराते हैं। इसके साथ हमारे पास जो है वो पिट्रिक बकानन जो है, एक हमारे पास जो है कदामत पसंद है, वो ये कहता है कि तहजीबी तसादम हकीकत में वकूफ़ पजीर हो रहा है, और मगरिब के लिए ज़रूरी है कि वो जंग जीतने के लिए हर तरह के इकदाम करे। इसलिए तो अमेरिका आता है अफगानिस्तान में और मुस्लिम तहजीब को जो है वो कोशिश करता है कि रोंदते हुए आगे निकल जाए। अब मुस्लिम रेडिकल्स जो हैं वो रेडिकल्स जो किसी की बात नहीं सुनता, ठीक है, तो मुस्लिम रेडिकल्स जो हैं जो इस्लाम के अंदर जो हैं वो ये चाहते हैं कि हर तरह से जो चीज़ है जहाद के जरिए ख़त्म कर देनी चाहिए। मौलाना मदूदी जो हैं, सैयद कुतुब और उसामा बिन लादन जो है वो, इनको रेडिकल्स के नाम से जाना जाता है। ये वो थे जिन्होंने ये कहा कि भाई देखें अगर आप चाहते हो कि अमेरिका की और दूसरे ममालिक के जो है वो तबीयत ठीक हो जाए तो जहाद करना लाजमी। ये वो लोग थे जो कि अपने अपनी तहजीब के बारे में, उनकी डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे थे। ये मगरिब के थे, बर्नार्ड लिविस थे और पैट्रिक बकानन थे, और मुसलमानों में उसामा बिन लादन, सैयद कुतुब और मौलाना मदूदी। ये कहते हैं कि हमें चाहिए कि इस्लाम के जो है वो अगेंस्ट बरसरे पेकार रहे, और मुसलमान कहते हैं कि मगरिब के खिलाफ जो है वो आप काम करते हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो इसके मुखालफीन हैं, वो ये कहते हैं कि देखें ये तहजीबी कोशिशें नहीं होती हैं, ये जो सैमुअल पी हटिंगटन जो है इसे नज़रिया दिया ये बकवास है, ये नाकस है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये बेहुदा सोच है और फजूल सा मफरूजा है। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने ऐसा कुछ लोगों के दरमियान तो एग्जिस्ट कर सकता है कि वो एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर दें, लेकिन कौमी मुफाद के लिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि सारी की सारी कौम दूसरों से झगड़ना शुरू कर दें। रॉबर्ट बार्टले भी जो है वो इसके अगेंस्ट है, वो ये कहता है कि जनाब ये बात तो ठीक है कि मजहब और बाकी दलीलें आलमगीरियत किसी हद तक डिस्टर्ब करेगी, लेकिन हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ये एक दूसरे को करीब भी तो लेके आएगी। अगर लोग एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो लोग एक दूसरे से
मोहब्बत करने वाले भी तो प्रमोट होंगे, ऐसे भी तो लोग आएंगे जो एक दूसरे को कबूल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हैं वो कुछ लोग हैं जिसमें पाल परमानंद का नाम भी आ जाता है। वो ये कहता है कि ये सैमुअल पी हटिंगटन ने जो बातें की हैं फजूल हैं, क्योंकि आज के दौर में तो कोई भी सकाफती सरहदें मौजूद नहीं है। वो ये कहता है अगर ये सकाफती सरहदें हों तो आज आप देखें सऊदी अरेबिया और अमेरिका के ताल्लुकात कितने अच्छे जो हैं वो बन रहे हैं। अगर ये ताल्लुकात अच्छे हैं तो भाई इसका मतलब ये है कि ये जो सैमुअल पी हटिंगटन ने बातें की हैं वो गलत बातें हैं। इसी तरह से एडवर्ड सईद हमारे पास आ जाते हैं। एडवर्ड सईद कौन थे? ये ओरिएंटलिस्ट थे, ये मशरक से ताल्लुक रखते थे। उनका एक बड़ा फेमस जो है वो मजमून है क्लैश ऑफ इग्नोरेंस, सैमुअल पी हटिंगटन के मुकाबले में उनकी मुखालफत करते हुए कहते हैं कि यार ये सैमुअल पी हटिंगटन कितनी फजूल बातें लिखी हैं तुमने, ठीक है। तहजीबें आपस में मिलती हैं, तुम एक दूसरे को करीब लाने की बजाय उन्हें दूर कर रहे हो, तो ठीक है। मगरिब की बातें, जमहूरियत, आज़ादी, इंसानी हकूक, ये सब के सब जो है ये मगरिब की नहीं है, ये सारे की सारी दुनिया की है। इस्लाम भी जो है वो इंसाफ की बातें करता है, इस्लाम की तो लाजमी जुज्व है, तो क्लैश ऑफ इग्नोरेंस उसके मुकाबले में आता, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास एलन वुड्स हैं, वो ये बताते हैं, वो ये कहते हैं कि यार ये जो इसने सैमुअल पी हटिंगटन ने मजमून लिखा है ये असल में पूरी की पूरी दुनिया के खिलाफ जो है वो एक साम्राज्य मनसूबाबंदी के तसलसल की बुनियाद है। अब इस नजरिए के लिए बहुत सी चीजें जो है वो बहुत से आंसर्स हमारे पास आते हैं कि कैसे इसको रोका जा सकता है। इसको रोकने का पहले तो तरीकेकार ये है कि तहजीबों के दरमियान मुकालमा जो है वो उसको प्रमोट किया जाए, इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट किया जाए। आज ना एक एस्पिरेंट का मैं ऐसे इवेल्युएट कर रहा था, मिडिल ईस्ट के इश्यूज के ऊपर था, ठीक है। उन्होंने क्या कमाल की जो है वो बातें उन्होंने उसमें मेंशन की हुई थी। सैमुअल पी हटिंगटन की बात थी, एडवर्ड सईद को मेंशन किया हुआ था, ठीक है। ये जो हमारे पास एलन वुड्स हैं इसको मेंशन किया हुआ था, रॉबर्ट बार्टले को मेंशन किया हुआ था, उसने रिलेट करने की कोशिश की थी। वो बेसिकली इस फेवर में था कि सैमुअल पी हटिंगटन जो है वो ठीक कहते हैं, उन्हें लगता था कि तहजीबों का तमादन जो तसादम है वो चलता रहेगा, ठीक है। मुसलमानों का इशू जो है वो ऐसे ही रहेगा और इसराइल के साथ ये इशू चलता ही रहेगा। उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अपने आर्ग्यूमेंट्स को सस्टेन करने की कोशिश की थी। अगर उन्होंने इजाज़त दी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा उनका लिखा हुआ है ऐसे। तो तहजीबों के दरमियान जो है वो अलायंस होना चाहिए, तहजीबों के दरमियान जो है वो इंटरफेथ डायलॉग होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इनके दरमियान इनके जो हामी हैं सदर जो खातमी हैं ईरान के, वो इस पे बिलीव रखते हैं कि हमें मुकालमे को प्रमोट करना चाहिए। शाह अब्दुल्ला इंटरफेथ डायलॉग, अब तो खैर ये अब सऊदी अरेबिया वाले तो तकरीबन ख़त्म ही हो चुके हैं, मटीरियलिज्म में ये बहुत आगे चले गए हैं। इनके पास ये हरम शरीफ ना होता तो मेरा ख्याल है कि इनकी जो है ना जो रिस्पेक्ट ऑनर थी वो पूरी दुनिया में शायद अजीबोगरीब तरीके से देखा जाता। बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट इन्होंने दी है कि हम जो है वो इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ चलेंगे, बस सीज फायर कर दें और कुछ नहीं चाहिए, तहजीबों का मादा। तो खुलासा कलाम ये है कि जनाब ये जो गुफ्तगू है, ये जो हम बात कर रहे थे, ये लोगों को भड़काने वाली बातें सैमुअल पी हटिंगटन ने की है, मगरब में बेजारी के जज्बात जो है वो, ठीक है। सो इस्लामोफोबिया इन वेस्ट एंड जेनोफोबिया इन वर्ल्ड, तो इस तरह की बातें जो है वो करना मेरा ख्याल है कि, और मेरा भी ख्याल है और इस राइटर का भी ये ख्याल है कि दूसरी तहजीबों के साथ नफरत को और अपने दुश्मन को जो है वो बनाने वाली बात है। तो हमें इस तरह की तहजीबी तसादम जो है वो इस नज़रिए पर यकीन नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम लोग जो हैं वो अब कोशिश करें कि अब जो है वो इससे बचें। ये फारसी का ख्याल है, ये लाइन है, ये ख्याल अस्त तो महाल अस्त तो जुनू अस्त, जब आपने ख्याल कर लिया तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है कि आप लोग जो हैं वो वैसे ही जैसा आप सोचना शुरू कर देते हैं वैसे आप बन जाते हैं। ख्याल आता है तो फिर आपके लिए वही काम करना जरूरी हो जाता है। जैसे बुद्धा ने कहा था, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, तो जब आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास था आज का जो टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास कल का टॉपिक मुस्लिम उम्मा का किरदार होगा, तो मुस्लिम उम्मा का किरदार क्या है, किस किस तरह से हम लोग जो हैं वो मुस्लिम उम्मा जो है वो कोशिश करके अपनी चीज़ों को ठीक कर सकती है। और परसों हमारे पास जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो ये वीक हमारा इस्लामिक स्टडीज़ पे आखिरी वीक होगा,
और इसमें हमारे जो है वो इंशाल्लाह ये खत्म हो सके। द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।